वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में फिजिक्स प्रॉपर्टीज जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कुछ रेंडर्स के बारे में। ठीक है, कुछ मॉडल क्रिएट करेंगे हम, कुछ डिजाइंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि अब से हम थोड़ी मॉडलिंग की प्रैक्टिस करें, देन हम शिफ्ट करेंगे फिजिक्स प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सो लेट मी नेम द सॉफ्टवेयर व्यूअर। या तो आपको प्रॉपर क्लिक्स विजिबल होगा यहाँ पे। मैं करता हूँ ये क्यूब डिलीट, शिफ्ट ए, और एक प्लेन ऐड करता हूँ। प्लेन को करेंगे हम थोड़ा सा स्केल। ठीक है, अगर आपको ये कैमरा लाइट दिक्कत दे रही है तो हम इसको कर देंगे डिलीट। नाइस, अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एडिट मोड में। टैब क्लिक करके एडिट मोड में, ये शॉर्टकट की होती है, सब डिवाइड करेंगे और यहाँ से आप सब डिवीजन की वैल्यूज, नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज कर सकते हो। मैं इसे करूँगा 10, मैंने किया 10, तो 10 सब डिवीजन्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लेन पे हम जो है फेस पे क्लिक करके पोक फेसेस करेंगे। जैसे हमने पोक फेसेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे फेस था, तो उसको इसने पार्टीशन कर दिया ट्राइंगल्स में। ठीक है, 4 ट्राइंगल्स में। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम हमारा मॉडिफायर ऐड करेंगे, वायर फ्रेम मॉडिफायर। ठीक है, जैसे हमने वायर फ्रेम मॉडिफायर इस पर ऐड किया, यहाँ से हम इसकी थिकनेस जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सो एक रूफ टाइप सी जो है हमारे पास डिजाइन निकल के आया है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी थिकनेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाएंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा 0.15 रखूंगा, 0.015। ओके, और यहाँ से आप ऑफसेट जो इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। ऑफसेट में बाय डिफॉल्ट इसका 0 ही रख देता हूँ। तो ये एक नेट टाइप सी जो है हमारे पास डिजाइन निकल के आया है, इसका हम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, हमने किया डी शिफ्ट डी, इसका डुप्लीकेट। जेड एक्सिस पर हम इसको ले जाएंगे, हम जेड एक्सिस पर इसको लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, सॉरी या जी जेड एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर लिए। इसका हम एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, सो करेंगे हम रोटेट वाई एक्सिस पे। ठीक है, आप वाई एक्सिस पे जाए, फिर रोटेशन दीजिए प्रॉपर रोटेशन के लिए। फिर वाई एक्सिस पे रोटेट वाई एक्सिस, परफेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, जी एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर एक क्यूब का जो है शेप मिले। या परफेक्ट, ओके, सेम हम इसके लिए भी करेंगे। नाइस, सो हमारा जो रेंडर कुछ इस तरह से निकल गया है। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको एक्स एक्सिस पे, ताकि प्रॉपर इसके अलाइनमेंट हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये मैंने वायर फ्रेम मोड एनेबल किया था, हम वापस शेडर में आएंगे। तो हमारे पास एक नेट सी जो है मॉडल क्रिएट हो गया हमारा। सो ऐसे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप यहाँ पे दे पाओगे। सेम हम पोक से करते हैं, हम ट्राइंगलेट से जो है क्वार्ट्स, हमारे क्वार्ट्स फेसेस को डिवाइड कर पाएंगे ट्राइंगल्स में। तो ये हमारे पास रेंडर निकल गया है। हम ये जो हमने अभी अप्लाई किया है हमारा पोक फेस, ये हम एक स्पीयर पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्पीयर को जेड एक्सिस पे लिया, उसको स्केल किया, थोड़ा स्केल किया। इसका फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा दूं, या सी एक्सिस थोड़ा और स्केल किया ताकि ये प्रॉपर इसमें हमें अलाइन दिखे। जेड एक्सिस परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे टैब क्लिक करके एडिट मोड में, सब डिवीजन देंगे और इस पे हम अप्लाई करेंगे हमारा फेस को फेसेस, और वापस से हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में।
इस पर अप्लाई करेंगे हम हमारा वायर फ्रेम, और ये भी एक जो है नेटिस बॉल हमारे पास निकल के आया है रेंडर जी एक्स एक्सिस से बाहर से बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो है रेंडर एक्चुअल। सो ऐसे जो है आप एक नेट शेप मॉडल क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम अप्लाई कर पाएंगे। और एक और चीज था जो कि आप यहां से ऐड कर पाओगे वो है ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायंगुलर फेसेस एक्चुअली होता क्या है। सो सेम ऐसा ही होता है जो हमने अभी क्वार्ट्ज के साथ किया, हम गए फेस में और हमने किया ट्रायंगुलर फेसेस। तो अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया कि इसको ट्रायंगल्स के शेप में जो है कट किया है। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। हाँ, अब ये हमने किया ट्रायंगुलर फेसेस। सो ये ट्रायंगल्स में जो हमारे क्वार्ट्स को उसको डिवाइड कर दिया इसने। और अब अगर इसमें वायर फ्रेम मोड में अगर लगाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो एक प्रॉपर अलाइनमेंट आपको क्वार्ट्स सब नहीं दिखने को मिलेगा जब आप अप्लाई करते हो वायर फ्रेम ट्रायंगुलेट्स पे, ठीक है। यहां से आप इसकी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे, सेम ऑफसेट। तो यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप पोक एंड फेसेस जो है अप्लाई कर पाओगे आपके मॉडल्स पे, और कैसे ये जो डिज़ाइन जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किए वो आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।